सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो गाइज, इस समय बहुत सारा शोर मच रहा है कि नोकिया 6.2 लॉन्च होने वाला है, जो कि सच भी है। कल 6 जून को HMD ग्लोबल्स ने बेसिकली दो इवेंट रखे हैं, एक इटली में और दूसरा इंडिया में, जहां वो नोकिया 6.2 को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी रूमर्स निकल कर सामने आए थे कि इसमें पंच होल डिस्प्ले है एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि बिल्कुल झूठ है। आज एक्चुअल टीज़र जो बिल्कुल सच है, जो निकल कर सामने आया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 6.2 जो है, क्या वो M40 का कॉम्पिटिटर है भी है कि नहीं है। क्या नोकिया 6.2 आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि वो M40 को कम्पीट करेगा। सो सबसे पहले हम नोकिया 6.2 की स्पेसिफिकेशन डिटेल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन की बात करेंगे। सो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो और आप एक्चुअली इन दोनों फोन्स के बीच में देखना चाहते हो कौन सा फोन किस एस्पेक्ट में बेहतर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले बात आती है नोकिया 6.2 के डिटेल्स की। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 6.39 इंचीज़ की आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जो है पंच होल डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी, यानी ऑब्वियसली आपको जो है बॉटम में थोड़े बड़े बेजल्स देखने को मिल जाएंगे फिर से। लेकिन अगर इसको मैं नोकिया 6.2 को 6.1 से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे अपग्रेड होगा उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा बेजल्स देखने को मिल जाते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली एंड्रॉइड 1 प्लेटफॉर्म पे रन करेगा ये डिवाइस, यानी आपको स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो 6.1 से अगर कंपेयर करूँ तो एक माइनर सा अपग्रेड है, क्योंकि वहाँ पे स्नैपड्रैगन 630 था, यहाँ पे 632 है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में ओके ही है डिवाइस, ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैमरास की बात करूँ तो डुअल कैमरा का सेटअप होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी एक्चुअल डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आए हैं कि कैमराज के कितना मेगापिक्सल काउंट होने वाला है, लेकिन शायद आपको 148 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाए और जीज ऑप्टिक्स होंगे, ये श्योरिटी है अभी तक कि जीज ऑप्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर जीज ऑप्टिक्स आ जाता है तो कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा बन जाएगा ये फ़ोन। बाकी ड्यूरेबिलिटी में तो आपको पता ही है, नोकिया 6.1 जो था वो बहुत ड्यूरेबल, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आया था। ये भी फ़ोन बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आएगा फॉर श्योर, ये मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा एक्सपेक्टेड है नोकिया से। के बाद आपको इस बार नोकिया 6.2 में फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो नोकिया 6.1 में नहीं था जब वो लॉन्च हुआ था, लेकिन OTA अपडेट में नोकिया 6.1 में भी आपको दे दिया गया था। इसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाएगा जो गूगल असिस्टेंट के लिए यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस फोन को हर जगह आप YouTube पे देखोगे M40 से कंपेयर किया जा रहा है। सबसे पहली बात, क्या ये M40 के कंपैरिजन में कहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा? यस, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां ये M40 से ऊपर निकल सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जहां पे ये M40 को टक्कर नहीं देता। सबसे पहली चीज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको यहां पे ज़्यादा बेजल्स देखने को मिलेंगे नोकिया 6.2 में, क्योंकि M40 में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, जिसके कारण वहां पे जो आपके बेजल्स हैं वो बहुत रिड्यूस किए गए हैं, एंड इनफैक्ट आपको चिन भी उसमें कम देखने को मिलेगी अगर मैं नोकिया 6.2 से कंपेयर करूँ। ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, विदाउट एनी डाउट नोकिया 6.2 वहां पे बाजी मारेगा। कैमराज के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन पेपर से अगर बात करूं तो M40 आगे है, क्योंकि उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 32+8+13 मेगापिक्सल का। सो यहाँ पे कह अभी कैमरा के डिपार्टमेंट में चीज़ें नहीं कही जा सकती, लेकिन डिस्प्ले में विदाउट एनी डाउट M40 आगे रहेगा। परफॉर्मेंस में M40 नोकिया 6.2 से आगे रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ये बात सच होती है कि उसमें आपको 675 प्रोसेसर मिलता है तो उस केस में कोई कंपैरिजन नहीं रहता गाइज, सैमसंग गैलेक्सी M40 बिल्कुल बाजी मार जाता है उस केस में। तो अगर बैटरी की बात करूं, नोकिया 6.2 के बैटरी के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वहां पे M40 में आपको ऑब्वियसली कम बैटरी मिलेगी अगर मैं उस बाकी M सीरीज के डिवाइस से कंपेयर करूं, M20 और M30 से। वहां 5000 मिलती थी, यहां 3500 के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो गाइज, मैं ये उन एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं जहां पे आपको सोचने की जरूरत है कि अगर आपके लिए बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है, कैमरा भी मैटर करता है, और ओवरऑल आप नोकिया के फैन हो, तो उस केस में नोकिया 6.2 एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है, डिस्प्ले का एरिया ज्यादा मैटर करता है, इनफैक्ट कैमरास भी आपको ट्रेंड के साथ ट्रिपल चाहिए, और आपको ओवरऑल सैमसंग के अगर आप फैन हो, तो उस केस में
सैमसंग M40 आगे निकल जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सैमसंग ही आगे निकलेगा। लेकिन प्राइसिंग भी आपको देख के चल रही है, जो एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस है सैमसंग गैलेक्सी M40 का वो 20,000 के अराउंड किया जा रहा है एक्सपेक्ट, और जो नोकिया 6.2 का किया जा रहा है वो 17,000 के अराउंड किया जा रहा है। सो अगर आपके लिए प्राइस एक डिसाइडिंग फैक्टर है तो उस केस में नोकिया 6.2 आगे निकल जाता है, लेकिन अगर प्राइस इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है तो उस केस में विदाउट एनी डाउट M40 बाजी मारता है। ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी के लेके मैं कहता हूं कि M40 पीछे रहेगा, लेकिन बाकी फीचर्स भी आपको देखने हैं अगर, तो उस केस में M40 आगे निकल जाएगा। सो गाइज, अगर यहाँ पे मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो अप टू 6GB रैम आपको दोनों फोन्स में मिल जाएगी, अप टू 128GB स्टोरेज दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएगी। सो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो यही है इन दोनों फोन्स के बारे में नटशेल में जो मैं बात आपको बताना चाहता था। कल हमें डिटेल्स मिलेगी नोकिया 6.2 की, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, बिल्कुल सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।